हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS ऑनलाइन भर्ती के बारे में। देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो है करेक्शन डेट स्टार्ट हो गया है। जो इसकी करेक्शन डेट होने वाली है 17 से 19 तारीख के बीच में करेक्शन आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कैन एडिट करेक्ट देयर कॉम्प्लिटी सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 17 फरवरी से यहाँ पे देख लीजिए 19 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एडिट करेक्शन मेन्यू इज अवेलेबल। एडिट का जो ऑप्शन है, करेक्शन का ऑप्शन है, अप्लाई मेन्यू के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेज 2 पे क्लिक करेंगे, आपका एडिट एंड करेक्शन डेट यहाँ पे शो कर देगा। और एडिट एंड करेक्शन डेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ न्यू वेबसाइट खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन डिटेल, देख लीजिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देनी है, उसके बाद सबमिट कर देना है। देखिए सबसे पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी एक दूसरी वेबसाइट खुलकर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ OTP मांग रहा है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से अपना OTP फिलअप कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर देख लीजिए, प्लीज़ नोट डैट यू कैन ओनली एडिट द फॉलोइंग फील्ड, नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, वेदर एम्प्लॉयर, NOC अवेलेबल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिर्फ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर में, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द करेक्शन विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर ओरिजिनल एप्लीकेशन विथ इफेक्टेड फ्रॉम 20/2/2023 से पहले आपको इसमें करेक्शन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, एक और वेबसाइट आप यहाँ पे खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे देख लीजिए। सिर्फ आपको इसमें जो बॉक्स में दिया हुआ है वही ऑप्शन आपका एडिट हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप नाम में एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड में आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका जो एडिट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और आपको देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुलकर ओपन हो गई है। उसके बाद आप यहां से एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।